होली की पार्टी हो और चटरपटर ना हो, ये कैसे हो सकता है। आज फ्रेंड्स में लेके आई हूँ बहुत ही जल्दी से बनने वाली बूंदी की चाट। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका और राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए। बूंदी की चाट बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंगे, ये मैंने ली है, आधा किलो दही। दही जो है बिल्कुल फ्रेश लेना, खट्टी ना हो। इसको इस तरह से या तो विस्कर ले लीजिए या फिर सूप छन्नी, हम इसको क्रीमी टेक्सचर में करेंगे। और दही को गाढ़ा कैसे जमाना है घर पे ऑलरेडी मैं चैनल पे सिखा चुकी हूँ, मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी। इस तरह से जैसे मार्केट में होता ना वैसे बिल्कुल हमने इसको एक सार करना है। अब आपने देखा होगा मार्केट वाली जो दही होती है हल्की सी मिठास में होती है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच पाउडर शुगर, पीसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी मत डालना, अदरवाइज उसके ग्रैनुल्स रह जाएंगे, इस तरह से पीसी हुई चीनी ही डालना। अब हम लेंगे एक बड़ी प्लेट जिसमें आपको चाट को सर्व करना है। तो सबसे पहली लेयर लगाएंगे हम दही वाली। अब आप आगे देखते जाइए कितना आसान है इस चाट को बनाना। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये है स्प्राउट्स, चने और मूंग दाल के। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें सफेद बॉइल्ड चना भी डाल सकते हो, काले वाले चने भी डाल सकते हो बॉइल्ड। लेकिन अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो इस तरह से स्प्राउट्स डाल दीजिए। स्प्राउट है मैंने हल्के से गर्म पानी में उबाल लिए थे, अदरवाइज के चाट में थोड़े से कच्चे कच्चे से लगते हैं, इससे भी जो टेस्ट है बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। ऊपर से डाल देंगे थोड़े से कटे हुए प्याज। कई लोग फ्रेंड्स चाट में थोड़ा सा टमाटर भी डालते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि चाट जो है ना थोड़ी सी करारी ही अच्छी लगती है, टमाटर से वो सौगी हो जाती है। खूब सारे मसाले, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, इसीलिए दही में मैंने नमक नहीं डाला था क्योंकि हम ऊपर से भी डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, सूखा हुआ पुदीना, नॉर्मल पुदीने को माइक्रो में कर लीजिए, इस तरह से ड्राई पुदीना हो जाता है। चाट मसाला हमारी चाट का बेसिक इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा काला नमक, चाट में जब तक काला नमक ना हो टेस्ट ही नहीं आता। ये है फ्रेश पुदीना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। अब सबसे पहली लेयर आएगी इसमें इमली की चटनी, जो ऑलरेडी मैं चैनल पे सिखा चुकी हूँ, मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी। थोड़ी सी हरी चटनी, ये भी ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ। अब लग रही है ना बहुत ज्यादा टेम्पटिंग, मुंह में आ रहा है ना पानी। अब इसके ऊपर एक लेयर और दही की डाल देते हैं। क्वांटिटी फ्रेंड्स कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब ये है पापड़ी, मार्केट में इजिली मिल जाती है, 3 से 4 पापड़ी इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे उबले हुए आलू। क्योंकि आज हम बना रहे हैं बूंदी की चाट, तो खूब सारी फ्रेश बूंदी, सॉल्टेड या फिर पुदीने वाली वो आपकी चॉइस है। अगेन वही वाले मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सी काली मिर्च, सूखा पुदीना, थोड़ा सा जीरे का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर है ये। अगेन एक लेयर देंगे इसमें हम इमली की चटनी की, थोड़ी सी धनिया पुदीने की चटनी की। अब लास्ट लेयर इस पे अगेन हम देंगे दही की। अब लास्ट फाइनल टच देने के लिए अगेन इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी बूंदी, बहुत थोड़ी थोड़ी डालनी है क्योंकि ये लास्ट लेयर है, थोड़े से स्प्राउट्स, थोड़े से प्याज, फ्रेश पुदीना। चाट में ना फ्रेश पुदीने का अलग ही एक फ्लेवर आता है। थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं चॉप किया हुआ, थोड़ी सी लाल मिर्च और लास्ट लेयर इमली की चटनी। अब ये पता है फाइनल लेयर जो है ना बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगनी चाहिए, तभी जो हमारे होली की पार्टी में गेस्ट आए ना तो उनके भी मुंह में पानी आना चाहिए। थोड़ी सी ये धनिया पुदीने की चटनी, गार्निश कर देते हैं इसको सेव के साथ। और भी ज्यादा चाट को सुंदर लगने के लिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा अनार। ओहो, बनाते बनाते तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया, लग रही है ना बहुत ज्यादा टेम्पटिंग। तो इस होली की पार्टी में ये इंस्टेंट वाली बूंदी की चाट जरूर बनाइएगा और अपने घर वालों और गेस्ट को खुश करिएगा। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।